नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज हम आपको एक राजनीतिक खबर से जोड़ रहे हैं। देश का राज्य बिहार जो कोरोना और बाढ़ से जूझ रहा है, लेकिन इस बीच इसी साल अक्टूबर तक वहां की विधानसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि नई विधानसभा गठित करने के लिए वहां चुनाव करवाने पड़ेंगे। हालांकि बिहार में कोरोना को लेकर अभी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अभी से चुनाव की कमान अपने हाथों में संभाल ली। कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है। पहले कांग्रेस से मध्य प्रदेश छिन गया, थोड़े दिन बाद ही देश के बड़े राज्य राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार को लेकर अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया। हालांकि यह मामला अब अदालत की चौखट पर पहुंच गया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी सरकार बचाने के लिए बड़ी जदोजहद भी करनी पड़ रही है। ऐसे में बिहार के नतीजे क्या होंगे? क्या कांग्रेस यूपीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा या फिर अकेले लड़ेगा? कांग्रेस की क्या प्लानिंग है? इसे लेकर समाचार एक्सप्रेस ने बिहार कांग्रेस के प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर से आज खास बातचीत की। उन्होंने इस खास बातचीत में राजस्थान, बिहार और हरियाणा को लेकर क्या नया खुलासा किया है, यह आपको भी जानना चाहिए। आप भी देखिए समाचार एक्सप्रेस का यह खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। सबसे आपको एक आज हम राजनीति के मुद्दे की बात आज आपसे शेयर करेंगे। राजस्थान का जो मुद्दा है वहाँ बहुत गर्मी है। कांग्रेस की सरकार आज उस पर हाई कोर्ट में अभी क्या डिसीजन आया है ये आज पता लग जाएगा। वहाँ दो गुटों के बीच आपस में गहमा गहमी है। मध्य प्रदेश में भी पिछले दिनों चुनाव हुए, उसमें भी सरकार पलटी मार गई। मुंबई में, महाराष्ट्र में भी नई सरकार बनी, लेकिन इन सब के बीच नवंबर और अक्टूबर के अंदर बिहार विधानसभा का कार्यकाल ख़त्म हो जा रहा है और नीतीश जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इस समय बिहार की जो स्थिति है वो आपने न्यूज़ चैनल या अखबार में भी देखी होगी कि इस समय पूरे बिहार के अंदर बाढ़ का आलम है और हजारों लाखों लोग इस समय बेघर हैं। लेकिन कोरोना और बाढ़ के बीच अब वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं वो चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई। उसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी है, मौजूदा सरकार भी है। हम इस समय बिहार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव जल्दी आने वाले हैं और आज हम बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं रहने वाले करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वीरेंद्र सिंह राठौर जी, हम उनके निवास पर हैं। लेकिन आज किसी मुद्दे को लेकर बात नहीं करेंगे, सिर्फ राजनीति की बात या चुनाव की बात करेंगे, चूँकि वो राहुल गांधी की एक राष्ट्रीय टीम का एक अहम हिस्सा रहे हैं। काफ़ी देर तक वो राहुल गांधी के साथ एक बड़ी राजनीति में सक्रिय रहे हैं और केंद्रीय राजनीति के अंदर एक उनका बहुत बड़ा कद है। आज भी वो राहुल गांधी के काफ़ी करीब मान जाते हैं और ख़ास तौर पे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के साथ भी उनकी अच्छी पैठ है। इसके बाद आप जानते हैं कि अगर उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया गया है तो जरूर उनमें कोई ना कोई सक्षमता होगी और उनमें कोई ना कोई दक्षमता होगी जरूर। तो आज हम वीरेंद्र सिंह राठौर जी जो बिहार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे प्रभारी हैं सॉरी, उनसे हम बात करेंगे। आज उनके निवास पर हैं। वीरेंद्र सिंह राठौर जी, समाचार एक्सप्रेस पर से आपका स्वागत है। नमस्कार चावला जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। लेकिन आज हम कोई कोर्ट की बात नहीं करेंगे, कोर्ट वाला काम तो आपने बड़ी आसानी से पत्रकारों का सुलझा दिया। करनाल के तमाम पत्रकार, मीडियाकर्मी, सोशल मीडियाकर्मी आपके आभारी हैं। आज मैं आपसे राजनीति का कुछ चंद सवाल पूछने आया हूँ। सबसे पहला सवाल मैं करूँगा, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से कांग्रेस को समर्थन करना पड़ा शिवसेना को, मध्य प्रदेश में आपकी अच्छी भली सरकार बनी लेकिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हटा दिए गए, वहाँ बीजेपी की सरकार फिर से बन गई। राजस्थान में भी बड़ी गहमा गहमी है, अभी हाई कोर्ट में रिट है, सचिन पायलट की तरफ क्या रुख आता है या वो अगर उनके खिलाफ अध्यादेश आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि
दो तीन घंटे का ही समय उनके पास होगा, वरना जो जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान की, वो विधानसभा का सत्र बुला सकती है। ऐसे में बिहार के चुनाव भी आ रहे हैं, तो किस तरह की कांग्रेस तैयारी कर रही है कि कांग्रेस संगठन के अंदर किस तरह के आपस में ये जो झोल पड़ा हुआ है जिस तरह से, इससे मैं समझता हूँ शायद कांग्रेस की फजीहत भी हो रही है। लेकिन आप केंद्रीय कांग्रेस का एक, राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं, और आपने राहुल गांधी के साथ कदम से ताल मिलाकर आपने काम किया है, आपको बहुत नॉलेज है, आपने चुनाव भी लड़े हैं, आप राष्ट्रीय कांग्रेस में एक बड़ा ओहदा रखते हैं, और ख़ासतौर पर आने वाले बिहार के विधानसभा चुनावों में आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा आपसे कि कांग्रेस में जो फुटबॉल जो है वो आखिर रुकने का नाम क्यों नहीं लिया? देखिए, कांग्रेस एकजुट है और फूट की कोई स्थिति नहीं है, परंतु दुर्भाग्य इस देश में ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 6 वर्षों से देश की सक्रिय राजनीति में स्थापित हुई है, गैर कानूनी तरीके से, अनडेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के विरोध में किस प्रकार से गिराने का काम किया जा सकता है, वो एक नया ट्रेंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में स्थापित करने का काम किया है। और जिस प्रकार से पैसे का खेल भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की खरीद फरोख्त में शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि वो राजनीति के अंदर एक काले दौर की शुरुआत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इस काल के अंदर रही है। कई बार ये सवाल उठते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के लोभ और लालच दे रही है तो कांग्रेस के लोग क्यों लोभ और लालच में आ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देश के नेताओं ने इस देश को आज़ाद कराने का काम किया और मूल्यों के आधार पर राजनीति इस देश में होती थी। देश ने वो दौर भी देखा जब कांग्रेस पार्टी ने मजबूत विपक्ष पार्लियामेंट में रहे उसको स्थापित करने के लिए अपने स्वयं के मेंबर पार्लियामेंट्स की सीट को खाली करा करके बीजेपी के 2 सांसदों को विपक्ष की भूमिका के रूप में पार्लियामेंट के अंदर स्थापित किया गया। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यों की राजनीति को छोड़ करके धन बल की राजनीति के अंदर अपनी नीति को स्थापित पिछले 6 वर्षों में किया है, जिसका डेमोक्रेसी के ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मूल्यों को के आधारित राजनीति देश में होनी चाहिए, और जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी देश में स्थापित करने का प्रयास कर रही है, निश्चित रूप से वो देश के लिए घातक है। राठौर साहब, मैं ज़रूर मैंने संगठन में एकता की एकता पर सवाल किया था। अब सबसे ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी वहाँ बीजेपी में चले गए, इधर राजस्थान में सचिन पायलट एक तरह से बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर ये परिस्थितियाँ ऐसी क्यों हो रही हैं, जबकि कांग्रेस के जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी जी, वो ये भी कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके मित्र हैं और ये सचिन पायलट भी मित्र हैं। क्या युवाओं को आगे नहीं आने दिया जा रहा, क्या है ये स्थिति, एक आप किस तरह से क्लियर करें? देखिए, राहुल गांधी जी जब से देश की सक्रिय राजनीति में आए हैं, पूरे देश के नौजवानों के लिए एक बहुत सुनहरी अवसर और प्लेटफॉर्म राहुल जी ने तैयार किया, और ज़्यादातर 35 और 40 वर्ष की आयु के बीच के नौजवानों को देश की सक्रिय राजनीति में लेकर के आए। मेरे जैसे सैकड़ों उदाहरण इस देश के अंदर हैं जो देश की विभिन्न विधानसभाओं में और देश के की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर नौजवान साथी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं, उन्हें पहली बार मौका मिला और वो विधायक बने, सांसद बने और किसी किसी प्रदेश में कैबिनेट के मंत्रियों के रूप में काम कर रहे हैं। परंतु कुछ केसेस में पर्सनल महत्वाकांक्षाएं लोगों की इतनी बढ़ जाती हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि जिस प्रकार से पार्टी ने उनको स्टैंड किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात करूँ, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे जो उनसे सीनियर थे, परंतु पहली बार चुनाव लड़ने के बाद पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया। 2005 में मैं राजनीति में आया, 2004 में सचिन पायलट जी आए, लगभग 1 साल की सीनियरिटी का हमारा फ़र्क है, और 15 साल के राजनीतिक जीवन में केंद्रीय मंत्री से लेकर के पीसीसी प्रेसिडेंट और उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक पहुँचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और मैं समझता हूँ 43 साल की उम्र में अगर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तो थोड़ा संयम और धैर्य अगर वो रखते
तो शायद बहुत बड़ी राजनीतिक पारी वो कांग्रेस पार्टी के अंदर खेलते, परंतु पर्सनल महत्वाकांक्षाएँ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं मूल्यों को, मूल्यों की मूल्यवान राजनीति जो है और मूल्यों के पर आधारित राजनीति है उसको वो ओवरटेक और बाईपास कर जाती है। मुझे लगता है इन दोनों स्थितियों में सिंधिया जी और पायलट जी दोनों इसी प्रकार की परिस्थिति का शिकार बने। हद से ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ उन्होंने अपनी रखी और उसके चलते वो ये भी भूल गए कि पार्टी ने उनको स्थापित करने में कितना बड़ा योगदान। लेकिन राठौर साहब एक बात और भी नहीं आई, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की एक युवा नेत्री जो युवा वर्ग था कांग्रेस में जो काम करता रहा राहुल गांधी जी के साथ, जिसमें हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी एक ट्वीट करके एक हाईकमान को ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी भी वह सचिन पायलट को ना खोएं तो अच्छा है। इस तरह की भी उन्हें ऐसा लगता था जैसे युवा शक्ति इस तरह से चलती जाएगी तो कांग्रेस का जो संगठन है वो किस तरह कमज़ोर पड़ जाएगा। देखिए सचिन पायलट जी हमारे भी अभिन्न मित्र हैं, मेरे हर एक चुनाव में सचिन पायलट जी हमेशा घरौंडा आते रहे और मेरे व्यक्तिगत उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। हम सब चाहते थे कि सचिन जी पार्टी छोड़ करके ना जाएं। लेकिन गहलोत साहब उन्हें अब निकम्मा भी बता रहे हैं। देखिए राहुल जी ने भरसक प्रयास किया, पार्टी के नेतृत्व ने भरसक प्रयास किया और हर प्रकार की उनकी मांग को समझने का, जायज़ मांग को समझने का भी प्रयास किया गया, परंतु मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राजस्थान का घटनाक्रम हुआ है, जिस प्रकार से वहाँ FIR रजिस्टर हुई है और FIR रजिस्टर होने के बाद केंद्रीय मंत्री का नाम आपने देखा होगा गजेंद्र शेखावत जी का सामने आया है, संजय जैन जी का, बीजेपी के संजय जैन जी का आया है और पैसे का लेन देन वहाँ हुआ है और पैसे की रिकवरी भी हुई है, तो भाजपा वहाँ पूर्ण रूप से एक्सपोज हुई है और जैसे जैसे गिरफ्तारियाँ होंगी तो वो सारा मामला तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हैं, दिल्ली तक कहाँ कहाँ BJP के ऑफिस और के तार इसमें जुड़े हैं, वो सारा खुलासा आने वाले दिनों में होगा। मैं राठौर साहब सिर्फ ये पूछूंगा कि आप बता रहे हैं कि राजस्थान में भाजपा ने साजिश की, तो क्या सचिन पायलट भ्रमित हुए या उनकी कोई महत्वाकांक्षा? देखिए ये तो इस सवाल का जवाब तो सचिन पायलट जी दे सकते हैं, परंतु हालात को देख करके ऐसा लगता है कि वो शायद भ्रमित हुए और उन्हें पार्टी लीडरशिप की बात को सुनना चाहिए था। उनके आगे बहुत बड़ा पॉलिटिकल करियर कांग्रेस के अंदर रखा था, जल्दबाजी के अंदर वो उठाया हुआ कदम है और वो राहुल जी की बात को सुनते और समझते तो शायद और बेहतर लीडर वो निखर करके सामने आते। तो मैं तो और भी यंग लीडर्स को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से राहुल जी नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हमें उनके दिशा निर्देशों पर चलने का काम करना चाहिए। अब राठौर जी मैं बात करूँगा बिहार की, आपने राजस्थान की बात की, अच्छा आपने सुझाव दे दिया, आपने मन की बात भी कह दी और कांग्रेस की बात भी आपने रख दी, एक तरह से आपने युवाओं को भी एक मैसेज कन्वे कर दिया पार्टी की तरफ से, महत्वाकांक्षा की आपने बात की। अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है सरकार का वो समाप्ति की ओर है, हो सकता है कि कोरोना का थोड़ा दौर उस समय कम हो जाए लेकिन जैसे ही विधानसभा का कार्यकाल खत्म होता है तो चुनावी प्रक्रिया भी आरंभ हो जाती है। चूँकि आप बिहार जो कांग्रेस है उसकी आप प्रभारी हैं, तो आपकी अब क्या रणनीति रहेगी बिहार के अंदर, क्या कोई महागठबंधन की तैयारी है या किस तरह से आप कोई और दलों को साथ लेकर चलेंगे या कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ेगी और किन मुद्दों पर रहेंगे आप? देखिए बिहार के लोग बहुत राजनीतिक और जागरूक लोग हैं, बिहार में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के अंदर हम लोग हैं और हमारे महागठबंधन में RJD और जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, इन तमाम साथियों ने का एक सेकुलर जो पार्टीज हैं जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा सख्त तैयार रहते हैं, उन तमाम दलों का मिलकर के एक सेकुलर फोर्स के रूप में गठबंधन बिहार के अंदर है और बिहार की जनता के अंदर नीतीश सरकार के कुशासन के खिलाफ बहुत रोष है, राजनीतिक मुद्दे बहुत हैं। बिहार का किसान पिछले 6 वर्षों में अपनी धान और गेहूं की फसल को 1100-1200 रुपये क्विंटल बेचने के लिए मजबूर हुआ है। एक भी किसान पूरे बिहार में ऐसा नहीं है जिसने MSP के ऊपर अपनी धान और गेहूं की फसल को बेचने का काम किया। शराबबंदी के कारण बिहार में इस मौजूदा सरकार ने जिस प्रकार से माफियाओं को पनपाने का काम किया है,
तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में चुनाव के अंदर है। शराबबंदी है वहाँ पे और काफ़ी शराब भी पकड़ी गई है। सीएम नीतीश कुमार तो दावा करते हैं कि बिहार को हमने शराब मुक्त कर दी। देखिए, जहरीली शराब से पी करके लगातार वहाँ मृत्यु जो है बिहार के अंदर हो रही है, वो इस बात को दर्शाती है कि शराबबंदी के नाम पर बिहार के अंदर शराब माफिया बहुत ज़्यादा सक्रिय है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। दिन दिहाड़े क्राइम के अंदर बहुत ज़्यादा पिछले 6 वर्षों में इजाफा हुआ है। डेवलपमेंट अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले कि किस प्रकार से 300 करोड़ रुपए की लागत से जो पुल बना था वो मात्र कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो ढहने का उसका काम हुआ, जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने 1 महीना पहले 300 करोड़ रुपये लगे। तो ये क्या किस तरह का घपले हो जाती है? देखिए, सब जो है वो गलत प्रकार के टेंडर्स और अपने मनचाहे लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए बिहार की जनता की गुड़ी कमाई को पानी में भाने। लालू जी के बेटे इस तरह के 55 घोटालों की बातें कर रहे हैं, 55 घोटाले की बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे घोटाले बिहार के अंदर हैं और मैं समझता हूँ कि मुख्य रूप से जिस प्रकार से सेकुलर अलायंस के साथ पिछली बार सरकार बनाई थी, नीतीश जी हमारे साथ थे, कांग्रेस पार्टी ने 42 सीटों पे चुनाव लड़ा था, नीतीश जी और लालू जी ने लगभग 100 सीटों पे, 98 और 100 सीटों पे चुनाव लड़ा था, और एक मेजॉरिटी की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ बनाई थी। परंतु जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने अवसरवादी नीति के चलते हुए मजबूत और पूरे बहुमत की सरकार को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ जाकर के सरकार बनाई, मैं समझता हूँ आज उसका भी बहुत बड़ा रोष खास तौर पे अति पिछड़े वर्ग में, पिछड़े वर्ग में और हमारे दलित भाइयों में, फॉरवर्ड के साथियों में बहुत ज़्यादा है। और तमाम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब की बार बिहार की जनता महागठबंधन के साथ रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि सेकुलर फोर्सेस की बिहार के अंदर जीत होगी और पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। अच्छा, राठौर साहब, जब भी किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो आपका जो यूपीए गठबंधन है जिसमें कांग्रेस शामिल है, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है जब सीटों का बंटवारा होता है तो आपके महागठबंधन के जो अलग अलग दल होते हैं वो कांग्रेस को ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं कम सीटों को लेकर। तो क्या बिहार में अब भी इस तरह की मोनोपोली हो सकती है? देखिए, या इसके पीछे कोई बीजेपी साजिश करती है? देखिए, ये स्वाभाविक है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हर एक राजनीतिक पार्टी का सीटों को लेकर के महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, परंतु जब लार्जर आइडियोलॉजी की बात होती है तो कौन कितनी सीटें लड़े इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी सीटें जीती जाएंगे इम्पोर्टेंट है। तो जहां जिस पार्टी का कैंडिडेट मजबूत होगा हम वहां पर उस पार्टी के कैंडिडेट को लड़ाने का काम करेंगे। और महागठबंधन की अभी हमारी बैठक कुछ दिन पहले हुई थी, मैं उस बैठक में गया था और हम जल्दी ही अभी तो जुलाई या अगस्त के महीने में ही हम लोग तय कर देंगे कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा। अच्छा, एक आपके जो बिहार के जो चुनाव होंगे आगे, तो उसमें आगामी रणनीति आपकी किन चीज़ों पर फोकस रहेगी जिस पे आप नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे बहुत हैं चावला जी, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, पर इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर सारी चीज़ें बाहर आएंगी और एक तरफ से कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी तैयार होगा और उसके बाद महागठबंधन का भी कॉमन इश्यूज़ के ऊपर हम लोग मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। और मैं समझता हूँ जब सारी चीज़ें तैयार होंगी तो आप सबके साथ हम लोग शेयर करेंगे। अच्छा, दूसरी एक आखिरी सवाल, आप हरियाणा के रहने वाले हैं, बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनी है, क्या लगता है ये जो गठबंधन वाली सरकार जेजेपी के साथ बनी है कितनी चल पाएगी, कितनी देर पूरा टाइम निकाल? देखिए, नॉन आइडियोलॉजिकल सरकार है, भाजपा और जेजेपी का गठबंधन ये बेमेल गठबंधन है क्योंकि लोगों ने वोट भाजपा के खिलाफ दिया था और लोगों के मैंडेट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने मिलकर के सरकार बनाई है, तो ये लंबा चलने वाला गठबंधन नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान इस गठबंधन की सरकार बनने के बाद और ज़्यादा बढ़ा है और आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर पुनः पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि ये नॉन आइडियोलॉजी के ऊपर बेस सरकारें ज़्यादा लंबा नहीं चलती, लोगों के अंदर उसके प्रति हमेशा रोष रहता है। कितना समय निकाल पाएगी, पूरा 3 साल 2 साल? देखिए, अभी तो ये कहना मुश्किल है, अभी तो सरकारें चलती हैं नंबर्स के ऊपर, विधायकों के नंबर्स के ऊपर। आज कोविड 19 बचाव कर रहा है अभी तो। देखिए, आज उनके पास नंबर्स हैं
और हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे, हम क्यों कहें कि कोई गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कोई व्यक्ति करे, परंतु जिस प्रकार के हालात बने हैं, जिस प्रकार से गौतम जी घुटन महसूस कर रहे हैं, उधर बबली जी घुटन महसूस कर रहे हैं, और कुंडू जी भी जो निर्दलीय हैं वो भी काफ़ी घुटन महसूस इस सारे उसमें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जजपा के तमाम विधायक जो हैं, कुछ हमारे संपर्क में भी हैं, तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उनका लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही बढ़ती जा रही है। जब वो अपनी फील्ड में जाते हैं, जिन लोगों ने उनको चुन करके विधायक बनाया, लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया था, अब जब वो साथी दोबारा फील्ड में जाते हैं तो लोग उनसे सवाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बोझ तमाम जेजेपी के विधायकों के ऊपर उनके क्षेत्र की जनता भी लगातार डाल रही है, तो ऐसे में कितने दिन इस बोझ के साथ जेजेपी के विधायक जेजेपी में रह पाएंगे ये तो समय ही बताएगा, परंतु वर्तमान स्थिति में मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस सरकार बनाने के बाद जेजेपी के विधायकों के ऊपर मानसिक बोझ काफ़ी बढ़ा है। दूसरा, राठौर साहब, ऐसा था जैसे हुड्डा साहब को, शैलजा जी को जिम्मेवारी दी गई चुनाव से कुछ समय पहले, अगर वो साल दो साल पहले दी जाती, हो सकता है परिणाम आपके फेवर? देखिए, वो संगठनात्मक रूप से आप सही कह रहे हैं कि शैलजा जी और हुड्डा जी जिस प्रकार से तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर के एकजुट करके चले हैं, कम समय था और निश्चित रूप से कांग्रेस पिछले 4-5 सालों में कांग्रेस ने स्ट्रगल जरूर किया, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा, आप जानते हैं मैं हमेशा साफ और बेबाक बात करने के लिए जाना जाता हूं। कांग्रेस के अंदर फूट थी, वो उजागर कांग्रेस के लोगों के द्वारा की जा रही थी, परंतु अगर यही जोड़ी कुमारी शैलजा जी की और हुड्डा जी को कमान एक साल पहले सौंपी होती तो मुझे लगता है कि सुपड़ा साफ हो गया होता। बीजेपी 36 आ गया था, हो सकता है आप 45 क्रॉस कर जाते, निश्चित रूप से सुपड़ा साफ हो गया होता, परंतु आज चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आम जनमानस हो, वो याद करते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कितना विकास हरियाणा के अंदर करने का काम किया था, तो निश्चित रूप से। और शैलजा जी जब से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनी है, उन्होंने बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी गुट के, सभी MLAs को, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से एक करने का काम किया है, और हुड्डा साहब जिस प्रकार से CLP लीडर के रूप में विपक्ष की मजबूत आवाज़ उठा रहे हैं, तो कांग्रेस निश्चित रूप से एक संगठित हाउस के रूप में उभर करके सामने आई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस पुनः पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार की स्थापना करेगी। डॉक्टर साहब, एक बिल्कुल आखिरी सवाल, सोनीपत की बड़ौदा सीट का उपचुनाव होना है और हुड्डा साहब एक, मेरे ख्याल शायद कल या परसों एक मीटिंग शायद पंचकुला में आपके कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लेने वाले हैं, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इसे लेकर, उपचुनाव को लेकर, क्योंकि वो जाट बहुल्य सीट है, इसलिए अब आपने देखा धनखड़ साहब को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं आप, ये जो उपचुनाव है इसमें कांग्रेस किस तरह से प्रभावित होगी, क्योंकि जाट बहुल्य क्षेत्र और हुड्डा साहब जिक जाट नेता भी हैं, 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, रिजल्ट तो जनता तय करती है, परंतु इसको इसमें कोई दो राय नहीं कि उस बेल्ट में हुड्डा साहब से ज़्यादा पॉपुलर कोई लीडर नहीं है। अगर कोई ये कहे कि सोनीपत और रोहतक में हुड्डा साहब से बड़ा कोई पॉपुलर फेस है भारतीय जनता पार्टी में, तो वो शायद फिर कोई गलतफहमी का कोई शिकार होंगे, परंतु चुनाव चुनाव है और चुनाव को किसी भी तरीके से नॉन सीरियस तरीके से आंका नहीं जा सकता। निश्चित रूप से एक कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बड़ौदा उपचुनाव को हम सब कार्यकर्ता मिलकर के बहुत ताकत से लड़ेंगे। एक्सट्रीम राइट विंग फोर्सेस के खिलाफ हमारी लड़ाई ताकतवर तरीके से लड़ी जाएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सब साथी एकजुट होकर के, चाहे वो कुमारी शैलजा जी हैं, हुड्डा साहब हैं
और हमारे सीनियर जिस तरह से मेहनत की उस तरह से रिजल्ट आए, हो सकता है बड़ौदा सीट पे अगर एकजुटता दिखा दी तो हो सकता है रिजल्ट। निश्चित रूप से पूरी कांग्रेस एक एक कार्यकर्ता एकजुट होकर के, एक एक सीट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब डेमोक्रेसी को बचाने की बात है तो एक एक सीट इम्पोर्टेंट है। हम लोग एकजुट होकर के इस चुनाव के अंदर उतरेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है जब कांग्रेस एकजुट होती है तो फिर कांग्रेस का कोई मुकाबला कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता। बाकी तो प्रभु इच्छा और जनता का फैसला है। परंतु मुझे लगता है कि जिस प्रकार से किसान विरोधी नीतियां प्रदेश में चल रही हैं, जिस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट वुमन स्टेट के अंदर बहुत तरीके से ग्राफ ऊपर गया है और जिस प्रकार से आम आदमी और व्यापारी की कमर पिछले कई सालों में तोड़ने का काम किया गया है, तो किसी भी वर्ग की, चाहे वो हमारे बैकवर्ड के भाइयों, चाहे वो हमारे एससी भाइयों, किस किसान हो या छोटे व्यापारी हो, और ख़ास तौर पे हमारे मंडी के आड़ती, मैं आपने बात छेड़ी मैं इनका जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मंडी के आड़ती और किसान की हज़ारों वर्ष पुराने रिश्ते को तार तार इस सरकार ने करने का काम किया है, तो छोटा व्यापारी और किसान इस बार पूरी चोट मारेगा और निश्चित रूप से कांग्रेस की नीतियों में अपनी आस्था दिखा करके बड़ौदा उपचुनाव हम जीतने का काम करेंगे। बिहार कांग्रेस के प्रभारी और वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह राठौर ने आज एक अहम बात समाचार एक्सप्रेस को बताई कि जजपा के कुछ विधायक इनके कांग्रेस के संपर्क में हैं और इन्होंने आज एक दूसरी बात कही हरियाणा की राजनीति को लेकर कि बड़ौदा सीट पर कांग्रेस कब्जा करेगी। हरियाणा में जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव हुए और कुमारी शैलजा और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, जो हालांकि थोड़ा समय मिला और कांग्रेस ने अच्छे रिजल्ट दिखाए, इसी ठीक इसी तरह बड़ौदा उपचुनाव में भी ये जोड़ी जो है हिट साबित होगी और कांग्रेस इस सीट पर कब्जा करेगी। और तीसरी, इन्होंने व्यापारी और आड़ती किसान को लेकर जो बात की है कि ये जो तीन वर्ग हैं ये सरकार पर शुरू करेंगे। हम बहुत बहुत आभारी हैं वीरेंद्र सिंह राठौर जी के जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। इसी तरह की राजनीतिक खबरें भी आपके सामने लगातार समाचार एक्सप्रेस लाता भी रहा है और हर मुद्दे को लेकर समाचार एक्सप्रेस आपके साथ सक्रिय कर रहा है, तो हमेशा देखना ना भूलिए आप समाचार एक्सप्रेस। कैमरामैन सनी चौधरी के साथ हरीश चावला, करनाल, समाचार एक्सप्रेस। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.